हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, हम लोग जो है आज दो दिन के बाद मिल रहे हैं। दो दिनों से हम लोगों का क्लास नहीं हो रहा था, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और जो है हम लोग जो आज पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई करने वाले हैं फिजिक्स की। तो हम लोग जो है आज फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर जो हमारा है विद्युत, उसको हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। विद्युत धारा आपके NCERT में ये चैप्टर नंबर 12 होगा, और अगर आप भारतीय भवन चेक कर रहे होंगे तो उसमें ये चैप्टर नंबर हमारा 4 होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। दोस्तों, इससे पहले जो है हम लोग फिजिक्स के तीनों चैप्टर की पढ़ाई कर चुके हैं, और केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर की, और बायोलॉजी के भी 3 चैप्टर की पढ़ाई कर चुके हैं, और बांग्लादेश सोशल साइंस में हम लोग सभी चैप्टर की जो है सभी पेपर की 2-2 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर चुके हैं। सभी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे, सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आज को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, आपको इसका PDF भी पता चल जाएगा कैसे मिलता है। तो आप लोग आज के क्लास के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो लेते हैं वो लेते हैं विद्युत धारा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा क्या है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो विद्युत धारा हम लोग किसको कहते हैं, तो पहले ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा दोस्तों किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच आवेश की व्यवस्थित प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में जो किसी चालक पर जाते हैं उसके 2 बिंदुओं के बीच, एक शुरुआत छोर एक एंड छोर, दोनों के बीच में जो धारा की प्रभाव की जाती है आवेश की, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं करंट, तो व्यवस्थित प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का अंग्रेजी क्या, करंट। तो किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि विद्युत धारा क्या है, हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच के आवेश के व्यवस्थित प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद आप लोग इसका ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग A से सूचित करते हैं। एम्पियर को हम लोग किसे सूचित करते हैं, एम्पियर को हम लोग A से सूचित करते हैं। तो विद्युत धारा क्या है, अगर आप लोगों से सिंपली ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में कि विद्युत धारा हमारा क्या है, तो आप लोग अगर मेरे परिभाषा को अभी अगर मेरे बातों को सुनते हैं तो आप लोगों को अभी ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं जो आप लोगों को आंसर बताता हूं वो एकदम सिंपल अपनी भाषा में इसका आंसर है, ना कि किताबी भाषा से लिया गया है, सिंपल अपने भाषा में बनाया हुआ और आसान भाषा में आप लोगों के लिए प्रस्तुत है, बहुत ही आसान भाषाओं में। तो आप लोग लिख सकते हैं विद्युत धारा किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच के आवेश के व्यवस्थित प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखेंगे, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और हम लोग एम्पियर को A से सूचित करते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रख लेंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक हमारा एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग A से सूचित करते हैं। अब हम लोग अपने 2 नंबर क्वेश्चन की बात है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है चालक पदार्थ क्या है। विद्युत धारा हम लोग समझे, अब हम लोग सेकंड समझते हैं चालक पदार्थ क्या है। दोस्तों, ये सभी जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आपको एक समांतर श्रेणी का सवाल आएगा, जिसको आपको सॉल्व करने के लिए ये सभी चीजें को समझना जरूरी होगा, इसलिए मैं सभी चीज का परिभाषा बताता हूँ तब जाके आपको जो है टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक समांतर श्रेणी में जोड़ा हुआ है या श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को इस सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फिलहाल आप लोग जो है पहले इसकी परिभाषा को समझे, ताकि आप लोगों को सवाल जिस टाइम में पढ़े तो सवाल आपके सामने में आते समय समझ ले कि कौन पदार्थ किधर जाएगा। तो चालक पदार्थ हम लोग किसको कहते हैं, तो चालक पदार्थ की परिभाषा है ऐसे पदार्थ जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। चालक पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक विद्युत धारा जिसमें हम लोग प्रवाहित कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चालक। जैसे हमारा हो गया सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब जो हमारा है ये सब एक चालक पदार्थ है। तो विद्युत धारा की परिभाषा आप लोग समझ लिए।
चालक पदार्थ के समझ लिए। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलते हैं अचालक पदार्थ किसे बोलते हैं, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत रोधी पदार्थ क्या है। विद्युत रोधी, आप लोगों को उसके नाम से ही स्पष्ट होगा, विद्युत रोधी मतलब दोस्तों जो एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत को जाने से रोकता हो, जिसको हम लोग अचालक पदार्थ भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसको हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हमारा हो गया कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबर इत्यादि, ये सब जो हमारा है ये सब एक विद्युत रोधी पदार्थ है। तो विद्युत रोधी पदार्थ में क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ, इसमें एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, मतलब करंट जो है इस छोर से अन्य छोर तक नहीं जा सकता है। लेकिन जो है चालक पदार्थ में अन्य छोर से शुरुआत छोर से अंत छोर तक जा सकता है, मतलब अगर सोना का अगर आप एक पट्टी लेते हैं तो सोने के पट्टी पर अगर आप उसके एक साइड में करंट सप्लाई करते हैं तो उस पूरी पट्टी में जो है करंट सप्लाई होगी। लेकिन अगर आप एक कांच लेते हैं या प्लास्टिक लेते हैं, उस पर करंट की एक छोर पर रखते हैं तो वो पूरी छोर पर उस पर करंट जो है प्रवाहित नहीं होती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ। अब हम लोग अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है विद्युत विभव क्या है, क्या है क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर, विद्युत विभव क्या है, जिसका अंग्रेजी होता है दोस्तों विद्युत विभव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने इंग्लिश नहीं लिखा है, आप लोग याद रख लेंगे। विद्युत विभव का जो अंग्रेजी होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये विद्युत विभव का अंग्रेजी होता है। तो विद्युत विभव हम लोग किसको कहते हैं, आप लोग ये समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, ये आपका एक एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद करने का और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इस सभी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को खासकर, और एक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग समझते हैं विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव दोस्तों प्रति एकांक आवेश को अनंत से, कहां प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर विभव कहते हैं। जो प्रति एकांक आवेश होता है उसको अनंत से किसी बिंदु तक, एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो काम लगता है, उसको हम लोग उस बिंदु का विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब दोस्तों शब्द में समझाइए, किसी वस्तु किसी बिंदु पर जो है घनावेश संग्रहित जो विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव के बराबर होती है। तो विद्युत विभव हमारा हो गया प्रति एकांक आवेश में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु का उसको विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, क्या होता है, एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वी से सूचित करते हैं, इसको हम लोग क्या सूचित करते हैं, वी से। तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारा जो है आवेश का जो एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का वो एम्पियर होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वी से सूचित करते हैं। आप लोग याद करते जाएंगे, क्योंकि आपको इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका मेनली एसआई मात्रक पूछा जाता है। तो आप लोग इसके एसआई मात्रक को एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करते जाएंगे। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वी से सूचित करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग समझते हैं अनंत पर विद्युत विभव जो है का मान्य शून्य होता है। किसी बिंदु पर विभव अगर वी है तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है। तो आप लोग इसको समझ लिए, वोल्ट का जो होता है उसको हम लोग वी से स्विच करते हैं, और अनंत पर अगर विद्युत विभव शून्य माना जाता है तो किसी बिंदु का विद्युत विभव क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो वी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय क्यू, जहां डब्ल्यू हमारा है कार्य और क्यू हमारा आवेश है, जहां हमारा क्या है, W हमारा जो है एक कार्य है और Q हमारा आवेश है। तो विद्युत विभव हम लोग किसको बोलते हैं, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट को हम लोग वी से सूचित करते हैं, और अनंत पर अगर विद्युत विभव शून्य माना जाता है तो किसी बिंदु का विद्युत विभव हो जाएगा डब्ल्यू बाय क्यू, जहां डब्ल्यू हमारा एक कार्य जो लाने का काम करता है, क्यू हमारा आवेश है। हम लोग समझते हैं एक वोल्ट क्या है, एक वोल्ट आप लोग समझते हैं एक वाट या एक वोल्ट हमारा क्या होता है, आप लोग जनरली सुनते होंगे एक वोल्ट। तो एक वोल्ट क्या है दोस्तों,
जब एक कूलम घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य होता है, क्या होता है? जब एक कूलम घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य होता है, जब उस बिंदु पर विभव एक वोल्ट कराता है, तब क्या कराता है? तब उस बिंदु पर विद्युत, यहाँ आप लोग जब नहीं होगा तब लिखाया लगा है, तब उस बिंदु पर विभव जो है हमारा एक वोल्ट होता है। फिर से समझेंगे, जब एक कूलम घन आवेश को चार्ज किसमें नापते हैं? चार्ज को जो आवेश को जो है उसको हम लोग कूलम में नापते हैं। किसमें? कूलम में हम लोग आवेश को नापते हैं। आप लोग याद रखेंगे आवेश का जो स्थायी मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो जब एक कूलम घन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य होता है, तब इस बिंदु पर हम लोग क्या बोलते हैं? विभव जो है एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एक जूल बट्टे एक कूलम। क्या हो जाएगा? एक जूल बट्टे एक कूलम। जैसे जूल को हम लोग जे से सूचित करते हैं, कूलम को हम लोग सी से सूचित करते हैं, तो एक वोल्ट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एक जूल बट्टे एक कूलम। तो एक वोल्ट हमारा क्या हो गया? जब एक कूलम घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य होता है, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या कराता है? एक वोल्ट कराता है। एक वोल्ट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एक जूल बाय एक कूलम, जिससे अर्थात मतलब वन वोल्ट इक्वल टू वन जूल बाय वन कूलम। अब हम लोग विभांतर समझते हैं। विभांतर किसको? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है विभांतर? तो विभांतर जब बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई घन आवेश लाने में कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभांतर बोलते हैं। विभांतर किसको बोलते हैं? जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभांतर कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट ही होता है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि विद्युत विभव या विभांतर क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है आज लोग जो है उससे आगे भी क्लास करेंगे, इस क्वेश्चन की परिभाषा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इसके बीच जो डिफरेंस है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो विभांतर हम लोग किसको बोलते हैं? विभांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? एक वोल्ट होता है। अब हमारा सेवनवा क्वेश्चन है, सेल क्या है? क्या है सेवनवा क्वेश्चन हमारा? सेल क्या है? तो हम लोग सेल किसको बोलते हैं? तो सेल की परिभाषा दोस्तों एक लाइन में ही है, ऐसी व्यवस्था जिसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा की प्राप्ति होती है उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल किसको कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें जिससे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा की प्रभावित होते हैं उसको हम लोग सेल कहते हैं। बैटरी क्या है? ये तो दोस्तों एक लाइन की परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। बैटरी सेलों के समूहित व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। सेल हो गया, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा की प्राप्ति होती है उसको हम लोग सेल कहते हैं, और सेलों के समूहित व्यवस्था को हम लोग बैटरी कहते हैं। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिवर्त इलेक्ट्रिक सर्किट क्या? क्या क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है? विद्युत परिवर्त इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? हम लोग इस क्वेश्चन की परिभाषा समझते हैं। विद्युत परिवर्त परिपथ जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होता है? तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पथ का विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसको हम लोग उस पथ का विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी चालक पदार्थ जैसे सोना चांदी तांबा आदि से बनाया जाता है। विद्युत परिपथ किससे बनाया जाता है? सोना चांदी तांबा आदि से जो है विद्युत परिपथ बनाया जाता है। सामान्यतः हमारे घर में जो है तार के द्वारा एक विद्युत परिपथ बनाई जाती है। तार का एक जाल हमारे घर में होता है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जो हमारे किससे बनाया जाता है? तांबा से या एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि क्वेश्चन कौन से बहुत ही वीवीआई है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। अब हम लोग अपने 10 नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है परिपथ आरेख क्या है? क्या क्वेश्चन हमारा 10 नंबर? परिपथ आरेख किसको कहते हैं? तो विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों के उनके प्रति को द्वारा दर्शाने वाले आरेख को विद्युत आरेख का परिपथ कहते हैं। आरेख का क्या कहते हैं? उनके प्रति के द्वारा जो दर्शाते हैं उसको हम लोग परिपथ आरेख कहते हैं। जैसे स्विच हुआ हमारा, एक बल्ब हुआ, तो इस तरह से जो हम लोग दर्शाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिपथ आरेख, उनके अवयव जितने भी हों। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता क्या है? क्या है क्वेश्चन हमारा 11 नंबर? विद्युत धारा की प्रबलता क्या है? मतलब विद्युत धारा की प्रबलता से हम लोग क्या समझते हैं? तो किसी चालक के अनुप्रस्थ कांट से होकर प्रति एकांत समय में प्रभावित होने वाले आवेश के परिमाण को
विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, मतलब दोस्तों किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांत समय में प्रभावित होने वाले आवेश को परिमाण को, आवेश के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसे किसे सूचित करता है, इसे आई से सूचित करता है, जहां आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू बाय टी, आई क्या हो जाएगा हमारा क्यू बाय टी होता है, इसको हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता से सूचित करते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांत समय में प्रभावित होने वाले आवेश के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। इसे हम लोग क्या किसे सूचित करते हैं, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, और आई इक्वल टू हमारा हो जाता है क्यू बाय टी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो हम लोग जो है आज टोटल 11 क्वेश्चन देखे हैं, आज आपके लिए 11 क्वेश्चन जो है काफी है, तो आप लोग इस 11th क्वेश्चन को याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा था विद्युत धारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा था चालक पदार्थ क्या है, तीसरा क्वेश्चन था हमारा विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा था विद्युत परिपथ जिसको विद्युत विभव जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता क्या है, उसका हम लोग विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वोल्ट क्या है, उसका स्केल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, परिपथ आरेख क्या है, और जो है विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो इस तरह से हम लोग जो है टोटल 11 क्वेश्चन को आज देखे हैं। आप सभी आशा करते हैं आप इस सभी 11 क्वेश्चन को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 11th क्वेश्चन भी, और सबसे ज्यादा आपका इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं रखता हूँ। तो कल के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम क्या है और इसको सत्यापन करें, ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है कल का। तो कल का क्लास जो है जो स्टूडेंट आज ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग उसे बोल सकते हैं कल के क्लास को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कल का क्लास जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जितना टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे वो सभी टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास बात दोस्तों आपको मेरे क्लास रिलेटेड है, तो हम लोग जो है अगर आज जैसे ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं विद्युत धारा क्या है, तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे जैसे इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं, तो इस चैप्टर को पूरे एंड करने के बाद हम लोग तब सोशल साइंस के पेपर को अब स्टार्ट करेंगे, मतलब दोस्तों हम लोग अब चैप्टर वाइज जो है वीडियो ला के चैप्टर वाइज पहले उस चैप्टर को एंड कर देंगे, तब हम लोग दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग सर आज ये पढ़े कल वो पढ़े। तो जैसे ही जब ये चैप्टर हमारा पूरा एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सोशल साइंस के पेपर को देखेंगे, तो फिर हम लोग सोशल साइंस के पेपर को ही देखेंगे, तब हमारा साइंस बीच में रुका रहेगा। तो हम लोग इस तरह से जो है एक एक चैप्टर वाइज अपने टॉपिक को कवर करेंगे, और आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग मिलते हैं, और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोगों को कल के साथ मिलेगा। तो आज जितने स्टूडेंट क्लास किए थे मैंने सबका लाइव चैट देख रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट क्लास किए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने आज की क्लास का ले चुका हूँ। तो कल जो है आप लोग क्लास करेंगे तो कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ दोनों साथ में ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ दोनों साथ में ही दूंगा तो आप लोगों को नोट्स जो है पीडीएफ प्रिंट कराने में भी सहूलियत होगी, और आप लोगों को ज्यादा पेज भी खर्चा नहीं होगा, और आप लोगों को एक सॉलिड पेज में आप लोगों का हो जाएगा, और नोट्स जो है इधर उधर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय।